अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो एक खास तरीके का टू डायमेंशनल मोशन है। जैसे टावर से किसी बॉल को हम छोड़ देते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरता है, हमने पढ़ा है ऐसा, ठीक है। ये कैसा मोशन है, ये वन डायमेंशनल मोशन है। जब किसी बॉल को ऊपर फेंक देते हैं तो ये ऊपर जाता है और फिर उसी रास्ते से नीचे आता है, ये भी कैसा मोशन है, वन डायमेंशनल, हमने पढ़ा है। तो इसमें आपने बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका तो वो ऊपर गया और फिर नीचे आया, जिस लाइन पे ये ऊपर जाता है उसी लाइन पे नीचे आता है, ठीक है। लेकिन इसी बॉल को अगर हम एंगल पे फेंक दें, एंगल पे जैसा कि इस केस में किया गया, तो बॉल इस तरीके से ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। तो ये जो मोशन है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। ये वन डी मोशन हम पढ़ चुके हैं, इसमें बॉल को आदमी वर्टिकली ऊपर फेंकता है तो ऊपर जाती है उसी लाइन पे नीचे आती है। लेकिन अगर आदमी एंगल पे फेंक दे तो बॉल ऊपर जाएगी और इस तरीके से नीचे आएगी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ऐसे मोशंस के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशंस के बहुत एग्जांपल होते हैं, जैसे कोई फुटबॉलर है उसने फुटबॉल को किक मारी तो फुटबॉल ऐसे जाके इस तरह से ग्राउंड पे आती है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में एंगल पे फेंका गया है, हवा में एंगल पे फेंका गया तो वो इस तरीके का पाथ फॉलो करती है, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हमने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट हवा में इस तरह से मूव कर रहा होता है तो उसका एक्सलेशन कितना होता है, नीचे की तरफ होता है उसका एक्सलेशन और उसकी वैल्यू जी होती है। वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी अप्लीकेबल है, इसमें भी जब ये ऑब्जेक्ट हवा में मूव कर रहा होता है तो उसका एक्सलेशन नीचे की तरफ होता है और उसका वैल्यू होता है जी। सो दिस इज इंटरेस्टिंग कि चाहे बॉल को सीधे ऊपर फेंका गया हो या एंगल पे ऊपर फेंका गया, दोनों केस में बॉल का जो एक्सलेशन होता है वो नीचे की तरफ होता है और उसकी वैल्यू जी होती है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डाउनवर्ड्स एंड इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सोचो कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन से एक बॉल को फेंका गया इस तरीके से, सही है, ओरिजिन से एक बॉल को फेंका गया विद इनिशियल वेलोसिटी यू एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक। तो इस ऑब्जेक्ट का मोशन हम कैसे एनालाइज करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि हम एक्स एक्सिस के अलोंग अलग एनालाइज करते हैं मोशन को और वाई एक्सिस के अलोंग अलग, ठीक। तो ये जो वेलोसिटी है इसका हम एक एक्स कॉम्पोनेंट ले सकते हैं और एक वाई कॉम्पोनेंट ले सकते हैं। तो ये जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो कितना होगा, दिस विल बी यू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों, क्योंकि ये एंगल थीटा है। मैंने आपको बताया था कॉम्पोनेंट करते टाइम वेक्टर्स में कि एंगल के बगल वाला जो कॉम्पोनेंट होता है दैट इज कॉस थीटा, और ये दूसरा वाला कितना होगा, यू साइन थीटा, ठीक। अब हम x और y एक्सिस के अलोंग अलग अलग बात करना चाहें तो x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस हम लिखेंगे u cos थीटा और इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग लिखेंगे हम u sin थीटा, सही बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेलरेशन। जैसा हमने पढ़ा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है और उसकी वैल्यू 9.8 होती है, तो अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हैं, ठीक। तो एक्सलेशन नीचे की तरफ है मतलब y एक्सिस के लॉन्ग, इसका कोई x एक्सिस के लॉन्ग कॉम्पोनेंट नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं कि एक्सलेशन अलॉन्ग x एक्सिस इज 0 एंड एक्सलेशन अलॉन्ग y एक्सिस इज -10 या फिर माइनस जी, ठीक। माइनस क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव y एक्सिस है, पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्सलेशन नीचे की तरफ है मतलब निगेटिव लेंगे, ठीक। अब हम देखिए तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट की इमेज का एक्स एक्सिस के लॉन्ग, उसमें आप देखो एक्सलेशन जीरो है, एक्सलेशन जीरो है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इमेज का अगर मैं फोटो डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा, एक्सलेशन जीरो है यानी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी, तो उसका फोटो डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। क्यों ऐसे, फोटो डायग्राम के बारे में मैं आपको पहले बता रखा है, वन डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब हर एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, हर एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो इस तरह से फोटो डायग्राम रहेगा, ठीक है। अब वाई एक्सिस के लॉन्ग आते हैं, अब देखो वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलेरेशन निगेटिव है, यहां भी आप देख सकते थे कि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ, मतलब एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। यहां पे कैसा फोटो डायग्राम बनता है, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है उसकी स्पीड कम होती है, कम होती है, कम होते होते जीरो होती है और फिर वो यू टर्न लेके नीचे आएगा, ऐसा मैंने आपको बताया।
कि जब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन अपोजिट होते हैं तो ऑब्जेक्ट चलता है चलता चलता है, उसकी वेलोसिटी कम होते होते जीरो होती है, फिर वो यू टर्न लेके नीचे आता है। इसका जो फोटो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है स्पीड कम होती है जा रही है, पहले एक सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस, दूसरे में कम, तीसरे में और कम, इस तरीके से फाइनली वो टॉप पे पहुंच जाएगा जहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फिर वो नीचे आएगा और जब नीचे आता है तो स्पीड क्या होती है, बढ़ती है बढ़ती है, ऐसा हम देख चुके हैं पहले। तो नीचे आएगा तो इसका फोटो डायग्राम ऐसा बनेगा। नीचे आ रहा है तो स्पीड बढ़ रही है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन हो रहा है उसका फोटो डायग्राम हमने बना लिया, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन हो रहा है उसका हमने फोटो डायग्राम बना लिया। सो अब देखिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिफॉर्म मोशन हुआ है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिफॉर्म मोशन हुआ है, सही। वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या हुआ, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, एक्सेलेरेशन है। लेकिन आप देखें ये जो मोशन है ये हम पहले देख चुके हैं, जब किसी बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं, जब किसी बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं तो भी तो ये होता है, वो ऊपर जाता है उसकी स्पीड कम होती है तो जीरो होती है फिर वो नीचे आता है। तो वाई एक्सिस पे जो मोशन हो रहा है वो उसी तरीके का है, तो वाई एक्सिस पे एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन एज इफ द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, ठीक है। तो बॉल को सीधा ऊपर जब फेंकते हैं तो जैसा फोटो डायग्राम बनता है वैसे ही फोटो डायग्राम यहां पे बना है। तो यहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन हम डिस्कस कर रहे थे, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन वो यूनिफॉर्म आया, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन है वो वैसा ही आया जैसा कि एक बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंकने पे आता है। अब देखो तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने एनालिसिस कर लिया, वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने एनालिसिस कर लिया, अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें रिजल्टेंट मोशन पता चलेगा। तो अब देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहां पे था, फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां है ध्यान देना, और वाई एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां है, वाई के लॉन्ग यहां है, तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में कहां होगा, ऑब्जेक्ट एक्चुअली में यहां होगा। फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां आई और वाई एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां आई, तो फिर एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कहां होगा, यहां। फिर x एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां है, ध्यान दें इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं, और y एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां है, यानी ऑब्जेक्ट यहां है। फिर x एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां है और y के लॉन्ग यहां नीचे, यानी फिर ऑब्जेक्ट यहां पे होगा। अब इसके बाद क्या होगा, x एक्सिस के लॉन्ग इमेज आगे बढ़ रही है लेकिन y एक्सिस के लॉन्ग इमेज नीचे बढ़ रही है, तो अब जब ये इमेज यहां पहुंचेगी यहां, ठीक है, एक्स एक्सिस वाली, तो वाई एक्सिस वाली यहां पे होगी, ठीक है। तो यानी एक्चुअली में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे होगा इस तरीके से। फिर जब इमेज यहां पहुंचेगी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग और नीचे आ गई, तो हमारे पास इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे होगा, यहां पे ऐसे कुछ, ठीक। फिर हम चाहे तो और आगे भी बना सकते हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इमेज मान लो यहां जाती है फिर यहां जाती है, तो जब x एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां आती है तो y एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां आती है, इस तरह। तो देखो आगे नहीं बनाना, मैं आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा मिल रहा है, मैं ऑब्जेक्ट का पाथ जो है वो कुछ इस तरीके का मिल रहा है, ऐसा कुछ सही है ना, ऐसा ही तो पाथ होता है जब किसी बॉल को एंगल पे फेंकते हैं, तो इसी तरीके का पाथ तो आता है, ये हमने डे टू डे लाइफ में देखा है, वैसा यहां पर भी आ रहा है, मतलब कि बिल्कुल सही है। तो आपने देखा हमने बेसिकली क्या किया कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्स एक्सिस के लॉन्ग एनालाइज किया, वाई के लॉन्ग एनालाइज किया, फिर कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो जाते हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन होता है प्रोजेक्टाइल में वो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिफॉर्म नहीं होता है। जैसे आप देखो ये एक बाइकर है जो यहां से ऐसे एंगल पे कूदता है, ठीक है बाइकर, तो आप देखो इस तरीके से वो उसका फोटो डायग्राम बनता है, इस तरीके से वो जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, इस तरीके से जाता है, कुछ देर बाद यहां से यहां आता है, फिर यहां आता है, फिर यहां आता है, सो ऑन, वैसा ही कुछ पाथ हमने भी ऑप्टेन किया, ठीक है। ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एग्जाम्पल है।
ये एग्जांपल देखें, छोटा सा, एक फुटबॉल को किक मारा जाता है ग्राउंड से तो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करती है। तो ऐसा दिया हुआ है कि इस फुटबॉल को जब किक मारा गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी, और उसको थीटा एंगल पे किक मारा गया था, वेयर थीटा इज 37 डिग्री। ठीक है, हमें क्या बताना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 1 सेकंड एंड वेलोसिटी एट 1 सेकंड, यानी इसको किक मारा गया है, 1 सेकंड बाद इसकी पोजीशन बतानी है और इसकी वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, क्या करेंगे आप, वो बहुत ही सिंपल है, 1 सेकंड बाद वो कहीं आगे चला गया होगा से यहां पे, ठीक है, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी ऐसे टेंजेंशियल टू द पाथ। तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन निकालेंगे, तो उसके लिए हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग अलग लेंसेज करेंगे और वाई एक्सिस के लॉन्ग अलग लेंसेज करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, कंपोनेंट करने मैंने आपको सिखाया था, नहीं याद है तो आप वेक्टर वाले चैप्टर में जाके फिर से देखें। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा इसका, दैट विल बी यू कॉस थीटा, सो दैट विल बी 20 कॉस 37 डिग्री, दैट विल बी 20 इंटू 4 बाय 5, दैट विल बी 16। वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है इसकी वो आएगी 20 साइन 37 डिग्री, दैट इज 20 इंटू 3 बाय 5, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर इस बॉल का एक्सलेशन, एक्सलेशन हमें पता है वो वर्टिकली नीचे की तरफ होगा, यानी एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सलेशन इज 0 एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सलेशन विल बी -10। सही बात है। अब किस टाइम पे पोजिशन पूछा गया है, तो वो 1 सेकेंड, तो टी की वैल्यू 1 सेकेंड। अब देखो, अब इसका जो पोजिशन है वो निकालना है, तो अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देखो और वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देखो। तो अगर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो हम वन डायमेंशनल मोशन में यूज करते थे। यू कितना है 16, टी इज 1 और एक्सलेशन वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सलेशन तो है ही नहीं एक्सिस के लॉन्ग, तो यह आ जाएगा 16 मीटर। वैसे वाई एक्सिस के लॉन्ग ये इक्वेशन अगर हम लगाएंगे एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 12, टाइम इज 1 प्लस हाफ एक्सलेशन इज -10, टी स्क्वायर दैट इज 1, तो जाएगा 12 -5, सो दैट विल बी 7 मीटर। इसका मतलब इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है 16, वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है 7। इसका मतलब है कि ये जो दूरी है, ये जो दूरी है दिस इज 16 मीटर्स और ये जो दूरी है वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दैट इज 7 मीटर। ठीक, तो इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम, तो हम बोल सकता हूं मैं कि फाइनल पोजीशन वेक्टर जो होगा दैट इज 16 आई कैप प्लस 7 जे कैप, ऐसे कुछ। ठीक, अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी भी इसी तरीके से निकालेंगे, इस वेलोसिटी का एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा। ठीक, तो एक्स और वाई कंपोनेंट हमें निकालने पड़ेंगे, तो वो निकालने के लिए पहले ये पोजीशन की कैलकुलेशन में इरेज कर देता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। अब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे यू प्लस ए टी, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 16, एक्सेलरेशन इज 0, तो वो तो 16 मीटर ही रहेगा। ठीक है, और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे u प्लस ए टी, वंस अगेन u इज 12, एक्सलेशन इज -10, t इज 1, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी 16 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 16 हो गया और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 2 हो गया, तो अगर हम रिजल्टेंट वेलोसिटी v निकालना चाहे तो वो आ जाएगा रूट अंडर 16 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जो कि निकाल सकता। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। So, आपने देखा कि प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हमारी यही फिलॉसफी रहेगी हमेशा कि एक्स कंपोनेंट वाली चीज अलग निकाल लो, वाई वाली अलग निकाल लो, फिर दोनों को मर्ज कर दो। एक्सलेशन एंड वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल, तो जब ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसके एक्सलेशन और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पर देख लेंगे जो आगे हमारी बहुत मदद करने वाले हैं। जैसे अगर ऑब्जेक्ट इस पाथ पे प्रोजेक्टाइल पे मूव कर रहा है तो उसके अगर हम एक्सलेशन की बात करें तो जब ऑब्जेक्ट यहां पे होता है सपोज, तो इसका एक्सलेशन कितना होता है नीचे की तरफ जी, जो ऑब्जेक्ट थोड़ा और ऊपर चला गया होता है तब भी उसका एक्सलेशन कितना होता है नीचे की तरफ जी, जो ऑब्जेक्ट टॉप पे होता है तब उसका एक्सलेशन कितना होता है तब भी नीचे की तरफ जी,
जब वो नीचे आ रहा होता है तब उसका एक्सलेशन क्या होता है, तब भी नीचे की तरफ जी, जब और नीचे आ गया होता है तब भी उसका एक्सलेशन नीचे की तरफ जी। तो जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो हर टाइम उसका एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड जी है और वो एक्सलेशन हमेशा नीचे की तरफ है, एक्सलेशन हमेशा नीचे की तरफ है। अब अगर वेलोसिटी की बात करें तो सपोज कभी करो कि प्रोजेक्टाइल में ऑब्जेक्ट कभी यहां पे है तो उसकी वेलोसिटी जो होगी हम बोलेंगे टेंजेंशियल है, सही बात है, तो उस वेलोसिटी का एक एक्स कॉम्पोनेंट होगा। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोज का फायदा उठा सके स्टूडेंट्स, राइट।